एक अच्छे रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कैसे करें। बहुत सारे धोखे खाए हैं आपने, बहुत सारे ब्रेकअप हो गए हैं आपके, और हर पार्टनर के साथ आपको एक प्रॉब्लम रही है कि कुछ इश्यूज़ रहे हैं, कोई तो कोई बेसिक इश्यूज़ रहे होंगे कि वो आपको नहीं जम रहे, आप उनको नहीं जम रहे, कुछ ना कुछ ऐसा रहता है, और आप अपना रियल सोलमेट खोज रहे हैं जो आपके जैसा हो, जिससे आपकी चीज़ें पसंद आती हो, या आपको जिनकी चीज़ें पसंद आती हो, जिनकी आदतें पसंद आती हो, ऐसा सोलमेट आप खोज रहे हैं। ढेर सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आज मैं एक आपको ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनने के, जिसे समझने के बाद आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने आने वाले ज़िंदगी में अपने आने वाले पार्टनर को लेकर के। नमस्ते जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं लाइफ के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को, जिन्हें सीख कर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। ज़िंदगी आपको हमेशा दूसरा मौका देती है, मैक्सिमम टाइम तो देती ही है। कई बार हम उस मौके को समझ नहीं पाते हैं, कई बार उस मौके को हम जान नहीं पाते हैं, क्योंकि वो मौका हम चाहते तो हैं, लेकिन उस मौके का मिल जाना हम मानते नहीं। ऐसा ही रिश्ते होते हैं। एक रिश्ते में अगर हम धोखा खा चुके हैं, या एक रिश्ते में हम धोखा दे चुके हैं, दोनों ही कंडीशंस तो है ना, हमारा मन जानता है कि हमने धोखा खाया है या हमने धोखा दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पार्टनर के साथ हम चल रहे हैं और हमें एक समय के बाद रियलाइज़ होता है कि ये पार्टनर हमारे योग्य नहीं है। हम किसी और के साथ चीट करके उसे धोखा नहीं दे रहे, लेकिन हम किसी तरीके से हम उससे निकलना चाहते हैं, उस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, उसे छोड़ना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में हम किसी बहाने उनसे अलग होते हैं, और कहीं ना कहीं उनके लिए ये एक धोखा ही है, क्योंकि आपने जीने मरने की कसम खा रखी थी, आपने बहुत सारे वादे कर रखे थे, कहीं ना कहीं उन्हें सपने दिखा रखे थे, तभी तो वो आपके सामने अपना ओरिजिनल फॉर्म दिखाना शुरू करते थे, जिससे आपको समझ में आया कि ये पार्टनर योग्य नहीं है। पर पता है आपको मदर नेचर क्या चाहती है, ये यूनिवर्स क्या चाहता है? ये चाहता है कि आपको अपना सोलमेट मिले, आपको अपने जैसा इंसान मिले, आपको वह इंसान मिले जिसे आप खुश रख सकें। ऑब्वियसली आप खुश रहेंगे तभी किसी और को खुश रख सकते हैं। तो लाइक्स अट्रैक्ट लाइक, ये जो कहावत है, ये जो बातें हैं, ये बिल्कुल सही हैं। हम एक जैसे लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं, हम अपने जैसे इंसान को ही अट्रैक्ट करते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है पता है यहाँ पे? हम गलतियाँ क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक विरोधाभास है। हम एक ऐसे पार्टनर को चाहते हैं से जुड़ी हमारी बहुत सारी कल्पनाएं होती, लेकिन रियल वर्ल्ड में हमारा मन ये मानता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये फैंटेसी है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम आसपास के रिश्तों में देख रहे हैं, अपने पुराने अनुभवों को खंगाल रहे हैं, जिससे हमको ये बात समझ में आती है कि ऐसा नहीं होता, और उसी कारण से हम फिर से एक वैसे ही पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो हमारा अपना नहीं हो पाता। हर बार हम गलत रिश्तों को अट्रैक्ट करते हैं, और जिन लोगों ने भी गलत रिश्तों को अट्रैक्ट किया है, आप जो वीडियो अब तक ये देख रहे हैं, आप जानते हैं कि हर बार आपको तकरीबन एक जैसा ही पार्टनर मिला है, मतलब उसकी हरकतें, उसकी आदतें, उनका कृत्य, उनका क्रियाकलाप बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले वाले का था। आपने जानकर समझकर ये रिश्ता शुरू किया था कि ये पहले वाले जैसा नहीं है, ये किसी और के जैसा नहीं है, या ये दूसरों के जैसा नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद आपको समझ में आता है कि ये भी वैसा ही है। तो सबसे पहली बात ये है दोस्तों कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। सामने वाले इंसान में प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कि हम यहाँ क्या तैयार कर रहे हैं, हम यहाँ क्या तैयार कर रहे हैं, और जो हम यहाँ तैयार कर रहे हैं वही हमारे आसपास मैनिफेस्ट हो रहा है। रिश्ते हमेशा हमारे ही व्यवहार का, हमारे ही चरित्र का, हमारे ही मानसिकता का, हमारे ही माइंडसेट का प्रतिबिंब होते हैं। तो समझिए, सबसे पहले आपको कैसा पार्टनर चाहिए उसे पेन और पेपर में लिखिए। बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं जो मैं आगे जाके आपको सिखाऊंगा ही, लेकिन उन सब का कोर क्या है, उन सब का बीज क्या है, उस सब का निचोड़ क्या है, वो है माइंडसेट। आपको पता होना चाहिए कि खत कहाँ भेजना है, आपको पता होना चाहिए कि इस दुकान से आपको क्या चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि शोरूम से आप क्या उठाने वाले हो। तो अपने लिए असेंबल कीजिए, सबसे पहली बात यह है कि असेंबल कीजिए अपने आप,
के लिए अपने लिए पार्टनर, बिल्कुल किसी मशीन की तरह। और ये उतना ही सिंपल है, ये उतना ही आसान है, ये उतना ही सच है, क्योंकि इस दुनिया में हर तरह के इंसान हैं और आपके आसपास ही है। हम नहीं देख पाते, हम नहीं देख पाते क्योंकि हम देखना नहीं चाहते। अभी आप सड़क में निकलिए और आपसे मैं कह दूं कि रेड कलर की कार देखो, आपको आधे घंटे के अंदर 12-15-20 रेड कलर की कारें दिख जाएगी एक बिजी रोड में। लेकिन इससे पहले पूरे दिन देखा था क्या? नहीं देखा था। वैसे ही हमारे आसपास हमारी अपॉर्चुनिटीज़, हमें जो चाहिए वो चीज़ें होती है, हमें नहीं दिखती क्योंकि हम यकीन नहीं करते कि हमें यहाँ पे वो चीज़ मिल पाएगा। हमें लगता है कहीं दूर दराज किसी हिमालय में, किसी दूसरे देश में, किसी बड़े शहर में हमारे लिए हमारा वो स्पेशल पार्टनर बैठा होगा, जबकि वो हो सकता है आपके 3 घर छोड़ के बैठा हो। तो सबसे पहले यहाँ को प्रोग्राम कीजिए, सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपका पार्टनर कैसा हो। और अब मैं ऐसी जादुई बात कहने वाला हूँ जिसे सुनकर आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। जी हाँ, आप लिखिए कि उसका रंग कैसा होना चाहिए, आप लिखिए उसकी हाइट कैसी होनी चाहिए, आप लिखिए वो व्यवहार में कैसा होना चाहिए, आप लिखिए वो कैसा पढ़ा लिखा होना चाहिए, आप लिखिए वो कैसा कमाने वाला होना चाहिए, वो आप लिखिए कि उसकी जान पहचान कैसी होनी चाहिए, उसकी आदतें कैसी होनी चाहिए, आप सब लिखिए। इन सारी चीज़ों को मिला कर असेंबल कीजिए और उसके बाद ये बिलीव करना सीखिए, शुरू कीजिए कि आपको वैसा पार्टनर मिलेगा। क्योंकि बेटा देखो, ऐसा है, मेरी बात समझना, अगर वैसा पार्टनर वो इंसान नहीं भी है तो वो वैसा बन जाएगा। आप भी बहुत कुछ नहीं थे लेकिन आप बन गए ना। कोई भी माता के गर्भ से तो नहीं होके आता, तैयार होकर नहीं आता। तो यूनिवर्स को अगर आप ये बताओगे कि आपको क्या चाहिए तो आपके लिए यूनिवर्स आपके पार्टनर को वैसा तैयार करेगा। आस्क, बिलीव एंड रिसीव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही सिद्धांत है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो सबसे पहले आज के इस अध्याय में मैंने आपको आस्क मतलब मांगना सिखाया है। सबसे पहला काम यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। और जैसे ही आप ये ऐलान करते हैं कि आपको ऐसा पार्टनर चाहिए, वैसे ही यूनिवर्स में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं और आपका पार्टनर जो उस कैटेगरी में फिट बैठता है वो आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। और बस बिलीव कीजिए। आने वाले टाइम पे बहुत सारे टेक्निक्स बताऊंगा जिन्हें सीखकर आप अपने लिए राइट पार्टनर को अट्रैक्ट करें। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले अध्यायों में और बहुत सी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते है जी। एक अच्छे रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कैसे करें? बहुत सारे धोखे खाए हैं आपने, बहुत सारे ब्रेकअप हो गए हैं आपके, और हर पार्टनर के साथ आपको एक प्रॉब्लम रही है कि कुछ इश्यूज़ रहे हैं, कोई तो कोई बेसिक इश्यूज़ रहे होंगे कि वो आपको